हे एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा एंड वेलकम टू अन एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मोशन के न्यूमेरिकल्स। राइट, न्यूमेरिकल्स कह लो, एग्जांपल्स कह लो, जो आपको बुक में एनसीईआरटी में, राइट, जो आपको एनसीईआरटी में दे रखी है एग्जांपल्स, उनको डिस्कस करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आपको 8.1 टू लेकर 8.7 तक, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। और एनसीईआरटी में दी गई हर चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम जो है इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। अगर आपने जो पिछली वीडियोस नहीं देखी, चैप्टर को अच्छी तरह से कवर अप नहीं करा हुआ, तब भी आप इस न्यूमेरिकल्स को, जो इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखना, आपको मैं हर चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझाने वाली हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अबाउट मी, माई नेम इज मनीषा मरवाहा एंड आई एम योर मेंटोर, योर फिजिक्स एजुकेटर एंड अ यूट्यूबर। माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज MBA एंड BSc नॉन मेडिकल। सो नाउ डिस्कस अबाउट अन अकेडमी, और फिर उसके बाद कुछ फीचर्स देख लेते हैं, कुछ चीजें देख लेते हैं, और फिर हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो थोड़ी सी जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हम बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। सो व्हाट्स न्यू इन द अनअकैडमी? अनअकैडमी पे जो न्यू फीचर्स है आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप जो है अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो अनअकैडमी पे, जितने डाउट्स हैं उतने डाउट्स पूछो, आपको बहुत बढ़िया हाई लेवल क्वालिटी के आपको आंसर्स मिलेंगे, बहुत बढ़िया आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएंगी, जिस तरह की लैंग्वेज में आप आंसर चाहते हो आपको उस बढ़िया तरीके से आपको जो आंसर पेश करके दिया जाएगा। और आपको जितने भी आंसर्स पूछने हैं, जितने भी क्वेश्चन के डाउट पूछने हैं पूछो, और आपको जो इंस्टेंट और एक्यूरेट आंसर मिलता है अनअकैडमी के टीचर्स के थ्रू। और अब बात करते हैं डाउट पूछना कैसे है, कि डाउट पूछने की क्या प्रोसेस है। तो देखो, जब भी आपको डाउट पूछना है तो आपको जो अपनी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे जाना है, वहां पे आपको नीचे दिखेगा आस्क डाउट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड देन यू कैन आस्क डाउट। डाउट पूछने के लिए आपको क्या करना है, आपको पिक्चर क्लिक करनी है। अगर पिक्चर क्लिक नहीं करनी है तो आपकी गैलरी में पहले से अगर आपने क्लिक करके रखी है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद जो आपको है उस पिक्चर में जो भी आपका डाउट है, जो पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन को आपको पूछना है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है, उसको क्रॉप कर देना है, और वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में से है उस सब्जेक्ट को जो है आपको सेलेक्ट कर देना है, वेदर इट इज मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ओके, व्हाट एवर द सब्जेक्ट इज, आपको उस चीज को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको फिलहाल के लिए वेट करना है, और जब आपका आंसर आएगा तब आपको पता लग जाएगा। और अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। आपके पास आ जाता है प्लस कोर्स, ठीक है, ये प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लस में आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया जो आपको है फीचर्स मिल जाते हैं। और ये फीचर्स क्या है, जैसे कि आपको लाइव क्लासेस आपके घर से बैठे बैठे लगा सकते हैं, आपको अनलिमिटेड एसेस मिल जाती है, जितने मर्जी कोर्सेज आप खोलना चाहो, आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, आप जो टॉप एजुकेटर्स हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको कितने सारे बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स मिल जाते हैं। आप जो रेगुलर डाउट पूछ सकते हैं अपने टीचर्स से, आपको जो सिलेबस है कैसे कवर करना है वो बताया जाता है, पर्सनल मेंटोर मिल जाते हैं, PDF मटेरियल मिल जाता है, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज, तो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो आपको अभी आप इस टाइम पर स्कूल जाके नहीं कर पाते, वो आप अनअकैडमी पे कर सकते हैं। देन कमिंग टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के जो प्राइजेस क्या है उसको देख लो। अगर आप स्टार्टिंग में पहली बार ले रहे हो तो आप 3 मंथ्स के लिए जा सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, देन आप 6 मंथ के लिए ट्राई कर सकते हो, 12 मंथ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसको जो है ट्राई कर सकते हैं। और ये कुछ इसके प्राइजेस हैं। और अगर आपको लेस चाहिए, राइट, अगर आपको लेस चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, देन यू कैन अप्लाई दिस कोड एज वेल। देन कमिंग टू द अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है, कैसे काम करती है और ये क्यों है, राइट? तो देखो, इसमें जो फीचर्स हैं वो पहले से भी काफी ज्यादा बढ़िया हैं। देन इसमें आपको जो है पर्सनल मेंटोर मिल जाते हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपको जो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन लगते हैं, जितने डाउट्स हैं परफेक्टली आप जो अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं वो आपको परफेक्टली हेल्प करेंगे।
कि भाई कैसे डाउट सॉल्व करने हैं, कैसे आपकी जो दिक्कत है खत्म करनी है। देन आपको वीकली रिपोर्ट्स मिल जाती है, आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्शन रहता है, स्टडी प्लानर मिल जाता है, और अनअकैडमी के जितने भी बेनिफिट्स हैं जो आपको लाइव क्लासेस में टॉप एजुकेटर्स से मिलते हैं वो अलग से, लाइक टेस्ट क्विजेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं लाइक इसके क्या चार्जेस है, लाइक 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 15, तो आपको जोन से भी मंथ के लिए जाना है, ये इसके कुछ चार्जेस हैं, राइट। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, लेस चाहिए, देन यू कैन यूज दिस कोड। एंड नाउ मूविंग टू आवर लास्ट स्लाइड ऑफ अन अकेडमी, ये सब चीज़ें आपको कैसे अवेल करनी है, कैसे करना है, उसके लिए जो है आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, राइट। नाउ अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये जो टॉपिक हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, और ये हमारा जो लास्ट आखिर वाला टॉपिक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर, तो अब आ जाते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि अब देखो आपको पता है कि जो आपका पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, राइट। रट्टा मारने वाली चीज़ें खत्म होगी, तो कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहली जो आपकी एग्जांपल क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, राइट। तो एक जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, पहले तो वो 16 मीटर मूव करता है, फिर वो मूव करता है 16 मीटर। तो ऐसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, पहले वो ए से बी गया, देन वो बी से सी गया, और कितने कितने मीटर पे गया, पहले वो 4 सेकेंड में गया 16 मीटर, फिर वो 2 सेकेंड में 16 मीटर गया। तो हमसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की, राइट, जो ये मूव कर रहा है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, जस्ट आपको उनका सम कर देना है, जो भी आपको स्पीड दे रखी है उनका जो है आपको सम कर देना है, और साथ में क्या करना है, जो टोटल डिस्टेंस है उसका सम कर देना है, एंड डिवाइडेड बाय जितना भी आपको टाइम टेकन लगा है, टाइम टेकन, राइट। तो बेसिकली उन्होंने क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट वो ट्रेवल कर रहा है, उसने पहले यहाँ पे आया देन फिर यहाँ पर आया, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, जो कि हमारा सम होके आएगा, अपॉन क्या आएगा, टोटल टाइम टेकन। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले 16 कवर करा, फिर से उसने 16 मीटर कवर करा, टाइम कितना लिया, पहले उसने 4 सेकंड में कवर करा, फिर उसने 2 सेकंड में कवर करा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखो प्लस कर दो, ठीक है, 16 प्लस 16, कटिंग नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये एक ब्रैकेट में है, ये एक ब्रैकेट में, पहले हम इसको प्लस करेंगे, फिर जो हम इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे के बाद, फिर हम कटिंग कर सकते हैं जब ये एक सिंगल टर्म्स बन जाएंगी। तो 16 प्लस 16 कितना होता है, हमारे पास आ जाता है 32। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल मिस्टेक्स मत करना, हो जाती है, बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल मिस्टेक हो जाती है। तो 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है। अब हमारे हमें पता है ये कटिंग हो जाएगी, कटिंग कैसे होगी, ये कट जाएगा, तो ये गया हमारा 3 पे, और ये कितना गया हमारा 16 पे, 2 के टेबल पे गया, देन ये क्या बन गया 16/3, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, जो स्पीड का आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड, राइट। मीटर पर सेकेंड क्यों आया, क्योंकि हमें पता है स्पीड की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस किस में था, हमें क्या पता था डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, टाइम किस में होता है, सेकेंड में। तो वही बात है, ये हमारे पास निकल कर आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, एवरेज स्पीड पूछी थी तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता था, और हमें ये भी पता था स्पीड का फॉर्मूला लिख दिया तो टोटल डिस्टेंस प्लस कर देंगे, टोटल टाइम टेकन प्लस कर देंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे और एंड में हमारा जो आंसर आ जाएगा। और ये याद रखना, जो पीछे ये यूनिट है ये लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाते हैं। देने को तो टीचर दे देती है, लेकिन कुछ टीचर होती हैं जो बहुत ज़्यादा खड़ूस होती है, फिर उसके लिए आधा मार्क्स काट लेती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, यूनिट्स लगाना बच्चे छोड़ देते हैं।
अब बात करते हैं हम अपने जो हमारी एग्जाम्पल टू है, राइट। अब एग्जाम्पल टू हमें क्या कहती है, एक ओडोमीटर है, ठीक है, कार में। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीच 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप, ठीक है। तो जो कार का ओडोमीटर है, बेसिकली ओडोमीटर क्या होता है, तो आपको पता है हमारी कार एक्टिवा सब में एक मीटर लगा होता है सामने, राइट, जहाँ पे लिखी होती है, रीडिंग्स लिख रखी होती है, जहाँ पे ऐसे वो होती है, एक पॉइंटर होता है जो हमें बताता है कि आपने कितने किलोमीटर कवर कर रखी है, और यहाँ पे ऐसे सामने लिखा आ रहा होता है इतने किलोमीटर आपने कवर करे हैं। तो वो डिवाइस है एक जो कि ये मेजर करता है कि एक व्हीकल कितने किलोमीटर चल चुका है, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर, ओके। तो जैसा एक जो ओडोमीटर है कार का, वो जो ट्रिप का, जब ट्रिप शुरू होना था उससे पहले वो कितना था, 2000 किलोमीटर, दैट मीन्स जो स्टार्टिंग में उसके कितना था, वो 2000 किलोमीटर था। फिर क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, कहता है और 2400 किलोमीटर एट द एंड, मतलब कि जब हमारा ट्रिप खत्म हुआ तो गाड़ी का इतना मीटर घूम गया। तो अब इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, राइट। तो बेसिकली क्या कह रहा है, अगर ट्रिप को 8 घंटे लगे हैं तो आप ये बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी थी कार की इन किलोमीटर पर आवर और इन मीटर पर सेकेंड में, राइट। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हमसे वो पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। तब देखो पहले क्या है हमारे पास, हम देख लेते, तो उसने डिस्टेंस एक्चुअल में कितना ट्रेवल करा है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो देखो डिस्टेंस, पहली बात तो हमें पता है उसने 2400 किलोमीटर, हमारा जो फाइनल था स्टार्टिंग में कितना था, 2000, राइट। ये हमारा फाइनल माइनस इनिशियल हमने कर दिया तो हमें पता लग जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसने ट्रेवल करा 400 किलोमीटर डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी एवरेज स्पीड। तो अब हमें कहाँ जाना है, स्पीड पे। टाइम्स ने हमें दे रखा है, ठीक है, टाइम्स ने हमें कितना दे रखा है, 8 आवर्स, राइट। अब ये हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो दोनों की दोनों यूनिट्स है वो हमारे फेवर में नहीं है, आवर्स भी नहीं चाहिए हमें, किलोमीटर भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो करेंगे, ठीक है, एसआई सिस्टम। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है कि आपको जो यूनिट्स है उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में हम लेकर आएंगे, क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले बात करते हैं हम जो हमारी इसकी 8 आवर है, 8 आवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, तो हमारे पास बन जाएगा, अब आवर को जब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, 1 आवर किसके इक्वल होता है, 3600 सेकेंड्स के, ठीक है। ये चीज कैसे बनी आपको पता होगा, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, 60 मिनट्स को 60 सेकेंड्स, 60 मिनट्स में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 3600 सेकेंड्स आ जाते हैं, जो कि इस चीज के इक्वल है, तो ठीक है, ये बात तो हमें समझ लगी कि 1 आवर इसके इक्वल होता है, ओके। और अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, राइट, समझ रहे हो इस बात को कि हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पहले हम जो है स्पीड वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, स्पीड कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मींस 400 हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम कितना है, 8 है। तो इसको हम थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, पहले क्यों इतनी कैलकुलेशन करनी, तो ये क्या चीज बनेगी, इसको आप जब डिवाइड करोगे क्या बनेगी आपके पास, ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, राइट, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब ये जो स्पीड हमारे पास निकली किस में निकली है, ये हमसे एवरेज स्पीड पूछी है ना, तो एवरेज स्पीड तो हमने निकाल ली, लेकिन ये स्पीड किस में निकली है, ये निकली है किलोमीटर पर आवर में, राइट, जो कि उसने पहले में आंसर पूछा कि किलोमीटर पर आवर बताओ। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो वही चीज अभी हमने ये कैलकुलेशन इसीलिए करी थी, अब हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो ये जो 50 वाला है इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो देखो 50 है, किलोमीटर का हमें पता है, जब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 1000 मीटर, राइट। तो हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और आवर का हमें पता है आवर कितने के इक्वल होते हैं, अभी मैंने अभी आपको ऊपर बताया 1 आवर इक्वल्स टू 3600,
ओके तो इसकी जो सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा ये कितने पे जाता है 5, ये कितने पे गया 18 पे, राइट। देन इसको देखो आप, ये फिर से कटिंग हो जाएगी, ये जाएगा 9 पे 2 के टेबल पे गया और ये गया आपका 25 पे। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अरे पेन को क्या हो गया, हाँ तो आपके पास आ जाएगा 12.5/9, राइट, 12.5/9। तो जिसको आप आगे फिर से जब डिवाइड करोगे सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसके जो यूनिट्स है हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है एब्सोल्युटली, राइट। अब ये देखो जहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होने वाली है, ठीक है, और ये होती है सबके साथ, होती है मेरे साथ ही होती थी और ये बहुत आम सी बात है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, प्रैक्टिस करनी है आपको 2-3 बार जब आप ये न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है, मतलब 2 बार तो मिनिमम हर बच्चे ने करने ही करने हैं, जब तीसरे चौथी बार करोगे तो तुम्हारी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि भाई ये चीजें कैसे करनी है, ठीक है, तो सब कुछ खुद पता, खुद बताओ खुद जो आपको है चीजें पता लगने लग जाएंगी। तो यहाँ पे जो है हमारा बहुत इजी तरीके से जो आंसर निकल आया है, तो आई होप कि ये जो न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। और अब हम करते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, राइट। देन बात करते हैं हमारी जो एग्जाम्पल थर्ड है, अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारी, तो ये एग्जाम्पल हमें कहती है जो उषा है वो स्विम करती है इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, 90 मीटर जो लंबा पूल है उसमें जो हमारी उषा जी स्विम करती है, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो उषा है वो स्विम करती है, मान लो ए से बी पॉइंट, ये पूरा पूल है, ठीक है, लंबा सा पूल है जिसमें वो स्विम कर रही है, ये 90 मीटर का पूल है, और जो एक पॉइंट से स्टार्टिंग से एंड तक जाती है और फिर वापिस एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है, तो यही उन्होंने कहा है। और ये वो करती है, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, और जो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 180 मीटर कवर कर रही है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले उन्होंने हमें क्या दे रखा है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 180 मीटर कवर हो रहा है, किसमें कवर हो रहा है, 1 मिनट में, राइट। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी बेसिक यूनिट्स में, तो पहली बात तो हमें जो है स्पीड और वेलोसिटी निकालनी, तो हमें डिस्टेंस चाहिए रहेगा, टाइम चाहिए रहेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही यही है, न्यूमेरिकल्स करने हैं तो फॉर्मूला अच्छे तरीके से आते होने चाहिए, और फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है, एक अलग से लाइक नोटबुक का एक अलग से पेज लेना, उसके ऊपर लिखना फॉर्मूलाज, ओके, हर चैप्टर के उसके ऊपर लिखना मोशन और फॉर्मूला, और उस वहां पे सिर्फ मोशन चैप्टर के ही फॉर्मूले लिखना, आपके ऐसे 2 या 3 पेज बन जाएंगे, हार्डली 2 पेज ही बनेंगे जिसमें सिर्फ फॉर्मूला रहेंगे मोशन चैप्टर के। ये आपके लिए काफी ज्यादा हैंडी हो जाएगा जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, क्योंकि फिर आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, और जब भी आपको फॉर्मूला याद करने आपको इन्हीं 2 पेजेस पे रेफर करना है, ओके। तो ये चीज आप करोगे, वापिस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये एक टिप थी जो आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, जो डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, टाइम कितना लग रहा है उस पे 1 मिनट, दैट मींस 1 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं 60 सेकेंड, ठीक है। अब स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, वो कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस हमें पता लग गया कितना है 180 मीटर, अभी हमने ऊपर देखा, टाइम कितना लग रहा है 60 मिनट 60 सेकेंड, सॉरी, राइट, ये चीज कट जाएगी 0 से 0, ये सिंपल टेबल चला हमारे पास गया 3 पे, 3 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो है आंसर आ गया। लेकिन ये अभी हमारे पास कौन सा आंसर आया है, ये आई है हमारे पास स्पीड, राइट, एवरेज स्पीड आई है, क्योंकि अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वहां पे हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में,
ठीक है, हमारा जो सेकंड पार्ट क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करें तो वहां भी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की हमें बात करी जाए तो उन्होंने जैसे हमें पहले ही बताया है कि जो ऊषा है वो पॉइंट ए पर जाती है और फिर पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए पे आती है। तो मतलब कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट कितनी बनी है वो हमें पता है। जब हम इनिशियल से शुरू हुए और वापस फिर इनिशियल पॉइंट पे आ गए तब डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम तो उतना ही लगेगा। उन्होंने जो पहले बताया कि एक राउंड पूरा करने में वो कितना टाइम लेती है, 60 सेकेंड्स लेती है, तो टाइम तो वही रहेगा, राइट। तो अब हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगा देना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, उधर जहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या है, जीरो है। ठीक है, वो लग गया आपको पता कैसे जीरो है। अपॉन टाइम कितना है, 60 सेकेंड, ऊपर ही जीरो है तो सारा ही जीरो हो जाएगा। तो कितना इसकी डिस्प्लेसमेंट आई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कि जिसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है उषा की वो थी 0 मीटर पर सेकेंड, और जो एवरेज स्पीड कितनी थी वो थी हमारी 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ लग गया होगा कि ये हमने कैसे करा है। बड़े इजी न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से और कंसेंट्रेशन से अगर आप समझोगे तो हो जाएंगे, राइट। अब आते हैं हम जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ है। तो जो फोर्थ न्यूमेरिकल है वो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन। स्टेशनरी पोजिशन का क्या मतलब है, स्टेशनरी मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जो चीज है वो कहाँ पे है, रेस्ट पे है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, वो जो है रेस्ट पे है। रेस्ट पे क्या मतलब, हमारे जो यू है वो जीरो हो जाएगा, मतलब जो इनिशियल हमारी बात हो रही है। ठीक है, जो इनिशियल बात है, इनिशियल जो भी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, अभी हम पढ़ेंगे आगे, वो कहाँ पे, वो जीरो पे है। देन बात किसकी हो रही है, जो राहुल है, जो बच्चा है राहुल है, वो पेडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो कहता है जो राहुल है उसका जो स्टार्टिंग में स्टेशनरी पोजीशन पे था, मतलब कि इसको जो इनिशियल वेलोसिटी थी हम क्या कह सकते हैं वो थी जीरो, फिर वो अपने बाइसाइकिल को पैडल बना मारता है, चलना शुरू करता है, तो जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 16 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, और कितने सेकेंड में होती है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 30 सेकेंड्स। ओके, फिर उसके बाद क्या कहता है वो, देन ही अप्लाइज ब्रेक। फिर उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई कर लेता है, ब्रेक मारता है, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम डाउन टू, मतलब इसके बाद क्या होता है, जो बाइसाइकिल की वेलोसिटी है वो कम हो जाती है इतने पर, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन ऑफ अ बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। तो आपको क्या करना है, जो बाइसाइकिल की एक्सेलेरेशन आपको कैलकुलेट करनी है दोनों केसेस में। तो देखो, कोई भी न्यूमेरिकल करना है उससे पहले ना आपको जो न्यूमेरिकल अपने दिमाग में समझना होता है कि भाई न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, सिचुएशन को अपने दिमाग में क्रिएट करो कि वो क्या कह रहा है। और एक और बात, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो हमेशा आप यहाँ पे गिवन जरूर लिखा करेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ में जो जो चीजें आपको समझ आती है तो एक इधर गिवन लिखो और सामने उसकी चीजें लिखना शुरू कर दो, ताकि आपको जितनी चीजें समझ आती हैं वो आपको इजिली आप उसको समझ जाओ। अब हम जो सिचुएशन को बनाते हैं, तो सिचुएशन ये कहती है कि राहुल ए यहाँ पे मान लो वो एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, इस पॉइंट से वो शुरू हुए, माना वो ए पॉइंट से शुरू हुए, ए पॉइंट से जब वो शुरू हुए तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, जीरो थी। यू कितना था, जीरो, क्योंकि वो स्टेशनरी पे था, खड़ा था उसका साइकिल। फिर वो एक पॉइंट पे पहुंचता है 30 सेकेंड्स के बाद, मान लो ये बी पॉइंट है और यहाँ पे इसको टाइम लगता है 30 सेकेंड्स पहुंचने में, और जब यहाँ भी वो पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या होता है, यहाँ पे आगे जाके उसको मान लो रश आ गया, कुछ आ गया, उसने जो है ब्रेक लगा ली, राइट, उसने क्या है ब्रेक अप्लाई करी। अब जब उसने ब्रेक अप्लाई करी तो उसने कहा अगले 5 सेकेंड में, जब उसने ब्रेक अप्लाई करी जो उसकी स्पीड थी वो कहाँ पे आ गई, जिसकी वेलोसिटी थी वो कहाँ पे आ गई, कम होके 4 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकेंड पे आ गई। तो ये हमें दिख रहा है यू है, ये हमें दिख रहा है वी है, लेकिन ये क्या है जो हमें एंड में दे रखा है, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी नहीं ये क्या है,
थोड़ा रुक के बताते हैं, पहले केस समझते हैं वो क्या रहे। तो देखो पहले ये फर्स्ट पार्ट में क्या था, ए से बी में क्या हो रहा था, स्पीड बढ़ी, ये तो हमें दिख रहा है, ठीक है। पहले 4 पे था, फिर एकदम से 6 पे पहुंच गया, मतलब स्पीड इंक्रीज हुई। सेकंड में क्या है, 4 से 6 से सॉरी वापस 4 पे आ गया, मतलब जो स्पीड थी वो कम हुई, जो एक्सेलेरेशन थी कम हुई। लेकिन पहले हम अभी इतना सॉल्व करते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें जो समझ आएंगी आपको। तो देखो पहले केस में क्या हो रहा था, इसको ऐसे करो दो केसेस समझ लो, एक केस और दो केस। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है समझने वाला है, टफ नहीं है, जिसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे स्टार्ट मार्क कर लेना कि जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो थोड़ा आप इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो आप ये मान लो ये केस वन है और ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, तो दो पार्ट है क्वेश्चन के। हाँ तो अब देखो सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन, पहले पहला पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में हमें समझ लग गया कि हमारा यू भी है, हमारे पास वी भी है, हमारे पास टी भी है, हमारे पास सब कुछ है, और हमें क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालने को कहा गया है, राइट। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है, यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल कितना है, यहाँ पे हमें दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6 है, इनिशियल कितनी थी, 0 थी, टाइम तो हमें पता ही है, दे रखा है 30 सेकंड्स दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर 6 का 6 रहेगा, नीचे 30 का 30 है, 6/30 तो कितना बनेगा आपका, ये 1 पे गया, ये 5 पे गया, 1/5, ठीक है, 1/5 कितना होता है, ठीक है, 1/5 आ गया, 1/5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब ये सेकंड का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेलेरेशन कितनी है, 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो था पहले पार्ट में, मतलब पहले पार्ट में जिसकी एक्सेलेरेशन थी वो 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जब उसने ब्रेक लगाई, तो देखो ब्रेक लगाने वाले पार्ट पे अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी बन गई, 6। अब जो पूरा का पूरा केस ही बदल जाएगा, यहाँ पर अलग बात हो रही थी, अब यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, जो पहले वाले केस में जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो यहाँ पे आके रुका, अब जिस जब से शुरुआत करी तब उसकी जो इनिशियल क्या बन गई, यू क्या बन गया, 6, ठीक है, ये बात समझ आई ना, यहाँ पे बाईसाइकिल आके रुक गई, और यहाँ पे जब उसने शुरू करा तो ये चीज उसकी बन गई इनिशियल, यू बन गया उसका 6, और फाइनल क्या बन जाएगी, ये फिर उसकी बन जाएगी फाइनल 4, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आ गई 4। फिर टाइम, टाइम हमें दे रखा है कितना लगा, 5 सेकेंड्स, ओके। क्या निकालना है, अगेन वही हमें उन्होंने कहा है कि आपको निकालना क्या है, एक्सेलेरेशन निकालनी है। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल कितना है, यहाँ पे फाइनल है हमारे पास 4, ठीक है, माइनस इनिशियल कितना है हमारे पास 6, क्योंकि पहले ज्यादा थी, फिर ब्रेक लगाई, फिर वेलोसिटी कम होगी, ऊपर टाइम कितना आ गया, नीचे 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है बेसिक मैथ्स, जब 6 जिसकी टर्म बड़ी है तो सिंबल उसी का आएगा, जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, एंड नीचे क्या आएगा, 5। तो ये चीज क्या बन जाएगी, इस चीज को जब आप लिखोगे, देखो इसको जब आप करोगे डिवाइड, तो आपके पास आएगा 0.4, और ये कहाँ जाएगा, आगे लग जाएगा आपके पास माइनस का साइन। अब ये माइनस का साइन लगने का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस जो हमारी एक्सेलेरेशन है, राइट, वो कम हो रही है, ठीक है, जो एक्सेलेरेशन है वो कम हो रही है, ये माइनस साइन सिग्निफाई करता है, मतलब कि अब एक्सेलेरेशन जब कम होती है उसको हम अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो बेसिकली अब इस केस में क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, मतलब कि जो एक्सेलेरेशन है वो कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, ठीक है। आई होप ये जो क्वेश्चन है समझ आ गया होगा, डिफिकल्ट नहीं था, और अगर कहीं पर भी डाउट लगता है तो वीडियो स्टॉप करके वापस पीछे जाके फिर से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पहली बार में कभी कभी क्या होता है, चीजें नहीं समझ आती, लेकिन जब आप रोकोगे तो वीडियो आपको समझ आ जाएगी। तो अब बात करते हैं हम जो है हमारा अगला क्वेश्चन 8.5। तो ये जो हमारी अगली एग्जाम्पल है, यहाँ से जो हमारी एग्जाम्पल शुरू हो जाएंगी 8.5, 6 एंड 7,
ये जो तीनों एग्जांपल्स आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन की हमने डेरिवेशन करी थी उसके ऊपर है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन क्या कहता है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। कहता है एक ट्रेन जो है रेस्ट से शुरू हुई है, सेम जो भी हमने पीछे पढ़ा, मतलब कि इसको जो यू क्या आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे साथ साथ में गिवन लिखते चलते हैं, गिवन क्या है, यू क्या हो गया 0, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू हुई है ट्रेन, ठीक है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और उसने जो कितने वेलोसिटी अटेन कर ली, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितने बन गई, 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। कितने टाइम में पहुंच गया, टाइम भी हमें दे रखा, पहली लाइन में हमें काफी सारी चीजें मिल गई। टाइम कितना उसने दिया है, 5 सेकेंड, ओके, नहीं 5 मिनट्स दिए। तो देखो यूनिट्स ध्यान से लिखना, गलती लग जाती है। देखो सामने क्वेश्चन लिखा होता है फिर भी देखने में गलती लग जाती है, मुझे भी लग जाती है, तो आपको भी लग सकती है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 मिनट्स दे रखे हैं और हमें बताया है ट्रेन इतना कर लेती है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये आपको अज्यूम करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। फाइंड, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जितना जो ट्रेन ने ट्रेवल करा है फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, मतलब कि जब तक उसकी 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी हुई तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी उस 5 मिनट के अंदर। तो वो चीज हमें जो है निकालनी है, ठीक है। एक हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, और एक हमें निकालना है एक्सेलरेशन, और एक हमें निकालना है डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल करा है। तो ये दो चीजें निकालनी है। तो देखो अब आपको ये दो चीजें निकालनी है एक्सेलरेशन के लिए, तो हमें हमें पता है सिंपल सा फॉर्मूला हमें दिख रहा है, हमारे पास यू है, वी है, टी है। सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाऊं, क्या फॉर्मूला है, ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो अपना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है। अच्छा उससे पहले एक चीज और मुझे अब आपको बतानी है कि हमारा जो आंसर था उसको हमें किस में रखना है, बेसिक यूनिट्स में रखना है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि SI यूनिट्स में लेके जाना है, मतलब कि अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीधा आंसर नहीं करने पहुंच जाना। तो ये गलतियां जो है याद रखनी है आपको भी। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको पहले बताया था कैसे कन्वर्ट करेंगे, 72 का 72 आ जाएगा और किलोमीटर पर आवर को या तो आप यहाँ पे 1000 कर लो, ठीक है, किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आ जाता है, और आवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में तो 3600 आ जाता है, जो हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल्स में देखा था। या फिर आप जो है सीधा इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है आपके पास यहाँ पे कितना आता है, 18/9 आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है याद रखनी है कि ये इतना आता है, ठीक है, कि इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो जब आप इस चीज को जब फॉलो करोगे तो आपके पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, डेट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अभी ऐसे ही लिख रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर कन्वर्ट होकर 20 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। इसी तरह से अब हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का सेम तरीका है, क्या तरीका है, मिनट्स में दे रखा है, ठीक है। तो मिनट्स में आपको पता है जब हम सेकंड्स में मिनट को जब हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डबल बार आप 60। अब यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 3600 से तब मल्टीप्लाई करते हैं जब 1 आवर होता है, यहाँ पे ऑलरेडी मिनट्स में दे रखा है, 5 मिनट की बात हो रही है, तो सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, राइट। तो अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 60 तो आपके पास कितना आता है, आपके पास आ जाएगा 300 सेकेंड्स, राइट। ये चीज लगी समझ, तो अब हमने इसको जो है कन्वर्ट कर दिया। अब हम अपने आएंगे वापस, जो हमारा पार्ट 1 था, क्या कहना था, एक्सेलेशन फाइंड आउट करो। तो एक्सेलेशन का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है, देन उसके बाद फाइनल कितनी है, 20 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है, 300, ओके। तो उसको जब आप कैलकुलेट करोगे कितना बनेगा, 20 अपॉन 300, 0 से 0 कट,
ये बन जाएगा आपके पास 1/15 2 के टेबल में जाएगा मीटर पर सेकेंड्स, राइट। ये जो है आपके पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। अब जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि कितना डिस्टेंस उस ट्रेन ने ट्रेवल करा है इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए। तो डिस्टेंस से हम बात करें तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, ठीक है, मोशन की। तो जो पहली वाली इक्वेशन थी वो तो एक तरह से हमने यहाँ पे यूज कर लिया, राइट। डिस्टेंस वैसे भी उस इक्वेशन में नहीं है, इक्वेशन सेकेंड और जो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, उसमें ही हमें पता है डिस्टेंस होता है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जो थी, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन क्या थी, टू ए एस इक्वल्स टू वी माइनस यू का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। इसमें से अब हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि देखो हमें हम जो है इसको इक्वेशन को यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, यू भी है, टी भी है, ए भी है, हमें जो है एस निकालना है। अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी यूज कर लो, आंसर जो है आपका सेम आने वाला है। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, एस कितना है, जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम कितना आपको निकल रहा है, टाइम आपको पता है हमने 300 कन्वर्ट करके निकाला है, प्लस हाफ का हाफ आ जाएगा, ए कितना है आपके पास, अभी हमने निकाला है 1/15 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है आपके पास, टाइम है आपके पास 300 सेकेंड, राइट। अब उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर, मतलब कि 2 बार 300 सेकेंड आ जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ये चीज तो आपका जीरो बन जाएगा, तो इधर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो है आंसर निकल आएगा। तो इस चीज को आपको जो है कैलकुलेट कर लेना है, और इसी तरह से अगर आपको इससे करना है इससे कर लो, नहीं तो आप इस इक्वेशन में भी वैल्यू पुट करोगे तब भी आंसर सेम। सॉरी, तो इस इक्वेशन में जब आप आंसर पुट करोगे तो तब भी आपका जो आंसर है सेम ही आएगा, क्योंकि आपके पास यू की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, ए की वैल्यू, हर चीज की वैल्यू है, तो आपका जो आंसर सेम आने वाला है। अब बात करते हैं हमारी जो है थर्ड सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल के बारे में। गला सूख गया मेरा तो इसलिए बोला नहीं जा रहा। कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि अभी दो ही एग्जांपल्स रह गई हमारे पास। हाँ, तो अब जो हमारी अगली एग्जांपल क्या है, वो है जो एक कार है वो एक्सेलेरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू दिस, ठीक है, इन 5 सेकेंड। मतलब कि ये हमारा यू आ गया, ये हमारे पास वी आ गया। एक कार है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट कर रही है। देन आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो उस कार ने कवर करा है, ठीक है, मतलब कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको अगेन दिख रहा है किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट्स को। सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए अगेन सेम वही बात, हम मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज को जो अभी हमने पिछले से पिछले दो तीन न्यूमेरिकल्स में कर लिया है, वो फंडा सेम वही फंडा लगाएंगे, उसको हम सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन, राइट, व्हाट इज द गिवन, गिवन है आपके पास यू इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको जब हम कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि आप आवर को कन्वर्ट करोगे, 18 मल्टीप्लाई किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर की इक्वल, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। 1 आवर किसके इक्वल होता है, 3600, तो उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो जब आप इस चीज को करोगे तो आपके पास कैलकुलेट करके आपको जो है आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना आपके पास आंसर आएगा, आपके पास आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ वी की, ठीक है, वी कितना है आपके पास, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको भी इसी तरह से आप कन्वर्ट कर लेना, तो यहाँ भी आपके पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं, कंसेप्ट समझो आप, ठीक है। तो ये आपके पास दो आपके पास आ जाएंगी वैल्यूज। टाइम आपको दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है आपको, 5 सेकेंड, टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ओके।
अब हमको क्या कैलकुलेट करने को कहा है, पहले पार्ट में कहा है एक्सेलेशन कैलकुलेट करो, दूसरे में कहा है डिस्टेंस कैलकुलेट करो जो कार ने कवर अप करा है। अगेन हमारे पास वही दो फॉर्मूले, डिस्टेंस के लिए आपको बताया है मैंने, दो आपके पास इक्वेशंस रहती हैं, ठीक है, उन दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर निकल आएगा। पहले बात कर लेते हैं एक्सेलेशन की, फर्स्ट पॉइंट की, तो एक्सेलेशन का वही फॉर्मूला है वी माइनस यू अपॉन टी, कितना बनेगा आपके पास, वी कितना है आपके पास फाइनल कितना है 10, राइट, माइनस 5 अपॉन 5, ये आपके पास बन गया ऊपर 5 नीचे 5, तो बन गया 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेशन की बात हो रही है और एक्सेलेशन आपको पता है उसकी यूनिट ये होती है। फिर हम इसी तरह से सेकंड पार्ट कर लेंगे, सेकंड पार्ट क्या है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कार ने जो कवर करा है, राइट, अगेन आप वही जो आपके पास है उस चीज को आप लगा लो, यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास जो है हमें टी दे रखा है, तो हम टी वाली इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम प्रेजेंट है, जो चीजें हमें दे रखी है हमें उनको यूज करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है हमें डिस्टेंस निकालना है, तो यू हमें पता है हमारे पास कितना है 5 आया है, ठीक है ना, टाइम हमें पता है हमारे पास कितना आया है 5 सेकेंड आया है, बस वैल्यू पुट करते चलो 1/2 आ गया। देन उसके बाद एक्सेलेशन कितनी आई है हमारे पास, एक्सेलेशन आई है 1, ठीक है, टाइम कितना है अगेन 5, 5 का स्क्वायर है तो मतलब 2 बार 5 होगा। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 25 प्लस, ठीक है, ऊपर कितना बना 5, 5 का ऊपर 25 उधर अपॉन 2, तो इसका आप एलसीएम लोगे, अब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है आंसर निकल आएगा, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम भी 2 रहेगा, ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा, देन 25, तो बेसिक कैलकुलेशन है, सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर है कितना आ जाएगा 37.5, इसको सॉल्व कर लेना, 75/ कितना बनेगा, हाँ 75/2 बन जाएगा, ठीक है, 75/2, इसको एंड में तुम्हारे पास ये आंसर आने वाला है। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की वैल्यू, यूनिट क्या होती है, यूनिट बताओ डिस्टेंस की क्या रहेगी, मीटर रहेगी, तो एंड में जो यूनिट है मीटर लग जाएगी। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसको भी आई होप समझ लग गया होगा, बेसिक सा था, जैसा हमने पिछला न्यूमेरिकल करा वैसा ही था, बट अभी जो है आपको जो न्यूमेरिकल इजी लग रहा होगा क्योंकि मैं करवा रही हूँ, एक बार खुद ट्राई करना फिर आपको जो है समझ लगेगा कि आपको एक्चुअल में आया है कि नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। अब जो अगला क्वेश्चन क्या है, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, अब जहाँ पे हमें क्या बताइए एक्सेलेरेशन बता रखी है एक कार को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार को ब्रेक लगाई गई है और उसमें जो एक्सेलेरेशन है इतनी लगी है इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, राइट। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जो एक्सेलेरेशन है वो 6 मीटर पर सेकंड तो लगी है लेकिन किधर लगी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी, मतलब अगर कार का मोशन इधर जा रही थी, कार इधर मूव कर रही है, तो जो हमारी एक्सेलेरेशन लगी है जो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी, मतलब कि वो नेगेटिव साइन बता रहा है हमें, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब होता है कि नेगेटिव साइन रेफर करा जा रहा है, ओके, टू द मोशन। अब आगे आता है इफ द कार टेक्स 2s टू द स्टॉप, अगर कार कहता है 2 सेकंड लेती है स्टॉप होने पे आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, मतलब ब्रेक लगाई यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, लेकिन कार जो है 2 सेकंड लेती है रुकने में, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब क्या कहता है आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल करा इतने टाइम में, तो मतलब कि आपको एट द एंड आपको एस कैलकुलेट करना है जो उसने ट्रेवल करा है ये जो पूरा इतने टाइम में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पहले, तो पहले हमें क्या गिवन है वो चीजें लिखेंगे, गिवन, गिवन में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आपको दे रखी है एक्सेलेरेशन जो कि हमें नेगेटिव में बताइए 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, फिर हमें क्या बताया है टाइम जो कि कितना बताया है 2 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि उसने कहा ना ब्रेक लगने के 2 सेकंड बाद रुक रही है तो मतलब टाइम कितना दिया है 2,
सेकेंड, ओके हाँ 2 सेकेंड, फिर बात करते हैं वेलोसिटी, ठीक है, जो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी का क्या मतलब, कार तो रुक गई, इसने कहा कार तो स्टॉप हो गई ना, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है s, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल सा भाई फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। बट उससे पहले अब आपके पास देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हमें पता तो है हमें कौन सी लगनी है, ये वाली लगेगी u s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यही लगेगी, ठीक है। t है हमारे पास, a है, u नहीं है लेकिन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज है, ये u है ये नहीं है। अब पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो रिमेम्बर करो इक्वेशन वन क्या थी मोशन की, इक्वेशन वन क्या थी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स में यही है, आपको सोचना पड़ता है कि भाई इस वैल्यू में क्या चीज चाहिए, और ये चीज जो मिसिंग है यहाँ पर वो हम कहाँ से लेकर आएंगे। तब देखो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना, तो इसके ऊपर भी जो है क्या कहते हैं इसको भी थोड़ा स्टार कर लो, क्योंकि ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का आ गया। तो ये जो भी चीजें डिफरेंट टाइप की, तो मतलब इम्पोर्टेंट समझ लो आप लोग, क्योंकि अब हमें इसकी जो वैल्यू निकालनी पड़ रही है। तो अब यहाँ पे क्या, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यू की। अब देखो यहाँ पे जो यू की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि हमारे पास ए भी है, टी भी है, वी भी है, सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करो, तो वी की क्या वैल्यू है, वेलोसिटी फाइनल कितनी है, 0। यू की कितनी वैल्यू है हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालनी है। ए की कितनी वैल्यू है, ए की क्या वैल्यू है, ए दे रखा है हमें -6। टी की कितनी वैल्यू है, टी हमें दे रखा है 2 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे 0 का 0, यू अब माइनस आ जाएगा साइन, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना रहता है, 12। और यू कितना आ जाएगा, जब ये उधर चला जाएगा बन जाएगा 12। और बात किसकी कर रहे हैं, यू की। अब यू क्या है, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड पीछे लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने यू की वैल्यू निकाल ली, यू की वैल्यू कितनी निकल गई, 12 मीटर पर सेकंड। अब जो ये वैल्यू हमारे पास निकल आई, इसको हम उधर इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में तो सब कुछ ही तो है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, यू था नहीं हमारे पास, तब हम इसको जो है पुट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास यू की कितनी वैल्यू है, 12। टाइम की कितनी वैल्यू थी, तो इसको इधर करते थोड़ा सा, ये आपके पास आ गया एस। यू की कितनी वैल्यू आई, यू की वैल्यू आई 12। टाइम कितना है आपके पास, 2 सेकेंड्स, आपको ऊपर गिवन में दे रखा है, प्लस 1/2 का 1/2 वैसे ही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेशन, एक्सेलेशन कितनी दे रखी है, नेगेटिव में दे रखी है, कितनी दे रखी है, -6, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टी का स्क्वायर, ठीक है। टाइम कितना है, अगेन 2 है, 2 का स्क्वायर करना है, मतलब कि 4 हो जाएगा, बट हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अगेन कैलकुलेशन है, सिंपल सी सॉल्व कर लो, 12 2 का 24, माइनस में रहेगा, क्योंकि आपको पता है मेन साइन आपका माइनस में चल रहा है, 2 है तो ये 2 कट जाएगा, एक 2 इधर से कट जाएगा, क्योंकि 2 बार 2 है, तो माइनस कैसे आ जाएगा, और 6 2 का कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और यहाँ पे जो सिंपल सा आपको सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, 12। डिस्टेंस की बात हो रही है तो मीटर आ जाएगा पीछे, तो यहाँ पे कितना निकल आया आपके पास, 12 मीटर डिस्टेंस। तो ये था आपका लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। एंड आई होप कि आपको ये जो चीजें हैं समझ आ गई होंगी। वैसे मेरा गला है काफी ज्यादा सूख गया है एकदम लगातार बोलते बोलते, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई होप कि आपको जो चीजें हैं समझ आ गई होंगी, और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। मिलती हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, अगले न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन बाय बाय।